सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। मैं नहीं जानता कल बात क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा थी मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ। कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? जब 30 अक्टूबर को आप यहां आए थे क्या उस दिन आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। जब 2 नवंबर को आप यहां आए थे जब गोलियां चली थी तब क्या आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। गोलियों के डर से ये इमारत नहीं गिरी। अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप लोग? हमने कहा है कोर्ट का जो यहां पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित। आज इस ढांचे को गिराना, आज पक्का गिरा लेंगे। पक्का गिराने के उद्देश्य से तो हम लोग आए। गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ो प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लियो अवतार। जी हां, राम के अवतार वाली अयोध्या की कहानी बड़ी पुरानी है। खुद मनु ने इसका निर्माण किया। ये कहानी है त्रेता युग से अब तक की। इस पवित्र नगरी की स्थापना से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक, जिस अयोध्या की पीठ पर भगवान राम चले, सरहाने सर रखकर सोए, घुटनों के बल चलते खेलते कब राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए पता ही नहीं चला। जिनके द्वार पर भक्त हनुमान राजा की तौर पर बैठे हो और जिनके दरबार में सेवक की तौर पर भी हो, तो उस अयोध्या का कोई क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन 500 वर्ष पूर्व अयोध्या में दुश्मनों की नजर पड़ी जिससे हिंसा हुई और लाखों लोग मारे गए। जांच आयोग बना, आरोप भी तय हुए। फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने विवाद को खत्म करते हुए वर्ष 2019 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 500 सालों की यह कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगी। उन्हीं पन्नों के काले अध्याय से लेकर सुहाने सफर तक की यात्रा पर प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम अयोध्या का राम से राम तक का सफर। अयोध्या जिसे आप खुली आंखों से देखें या बंद पलकों से, भगवान राम आपको इसके कण कण में दिखेंगे। रघुवंशी राजाओं की राजधानी रही अयोध्या पर दीर्घ यज्ञ नामक राजा ने राज किया जिसे बाद में भीमसेन ने जीता। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के समय कोशर के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कोशर और दक्षिण कोशर। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र का एक शिलालेख यह साबित करता है कि वह सम्राट अशोक के पुत्र वृहद्रथ का सेनापति था। वृहद्रथ की हत्या के बाद उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। चंद्रगुप्त द्वितीय से लेकर मध्यकाल में काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या के रघुवंश का कई बार उल्लेख किया। अयोध्या भारत की 7 मोक्षदायी पुरियों में से एक थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। युग बदल गया था और अयोध्या भी बदलने वाली थी। देश पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला कर दिया। इन मुस्लिम आक्रांताओं ने ऐसे गांव दिए जिसकी टीस हर वक्त बनी रहेगी। अयोध्या को रोंदा जा रहा था। जहां भगवान राम ने जन्म लिया उस पावन धरा पर बाबर का सेनापति मीर बाकी मस्जिद बनवा रहा था।
500 साल पहले अयोध्या को राम से दूर करने की कोशिश की जा रही थी और मुस्लिम शासक अयोध्या का नाम तक बदल रहे थे। जिस धरा पर कभी भगवान राम ने जन्म लिया, अब उसकी नियति बंगाल के शासकों के हाथ में थी। फैजाबाद शहर का उद्भव तब हुआ जब नवाबों का शासन चरम पर था। सबसे पहले बंगाल के शासक अली वर्दी खान ने इस शहर की नींव रखी, फिर सादत खान ने निर्माण कराया और बाद में सुजाउद्दौला खान ने इस शहर को अवध की राजधानी बना दिया। अयोध्या अब अयोध्या नहीं रह गया था, उसका नया नामांकन फैजाबाद के रूप में हुआ, पर हिंदुओं के दिल में कभी फैजाबाद बस नहीं पाया और अयोध्या ही रहा। सुजाउद्दौला का शासनकाल फैजाबाद के लिए स्वर्णिम काल कहा जाता है। उस काल में फैजाबाद ने जितनी संपत्ति अर्जित करी उतनी कभी नहीं करी। उस दौर में यहाँ कई इमारतों का निर्माण हुआ जिनकी निशानियां आज भी यहाँ मौजूद है। 1775 में नवाब अशफाकउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ कर ली। इसके बाद यह अपनी रंगत खोने लगा और इंतजार रह गया अयोध्या को फिर उसके नवनिर्माण का। इंतजार भी इतना लंबा कि सदियां बीत गई, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने अयोध्या को फिर विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। यह आंदोलन आजकल का नहीं है, जिस राम की वजह से यह अयोध्या है उसी रामलला की जमीन को बचाने के लिए 1528 से लेकर 1949 तक हिंदू समाज ने 77 से ज्यादा युद्ध किए, जिनमें 400,000 से अधिक राम भक्तों ने बलिदान दिया। इतना ही नहीं, जब बाबर का सेनापति मीर बांकी अयोध्या की पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा था, तब भी युद्ध एक दो दिन नहीं चला, इसको खत्म करने में महीनों लग गए। इतिहासकार कनिंगम ने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक में लिखा है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बांकी इस मंदिर को ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया था। साल दर साल मंदिर के लिए मुगलों की सेना से युद्ध चलता रहा और राम मंदिर का वजूद हर बार मिटता रहा। कहा तो यह भी जाता है कि अकबर से लेकर शाहजहां के शासनकाल में बीरबल और टोडलमर के कहने पर खस की टाट से राम जन्मभूमि के चबूतरे पर एक 3 फीट का छोटा सा मंदिर बनवा दिया गया, जिससे रक्तपात थोड़े समय के लिए रुक गया। लेकिन इसके बाद भी औरंगजेब के भयंकर दमन चक्र की नीति को अयोध्या में राम कहां मंजूर थे। 10 बार मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की गई, मूर्तियों को तोड़ा गया। हिंदू लगातार राम जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए मुगलों से लड़ रहे थे, लेकिन विशाल सेना के आगे साधुओं की सेना टिक नहीं पा रही थी। फैजाबाद गजेटियर में कनिंगम ने फिर लिखा है, नवाब वाजिद अली शाह के समय में हिंदुओं ने राम जन्मभूमि के उद्धार की कोशिश की तो भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिनों तक रात दिन युद्ध के बाद हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। यह अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने फिर मंदिर बनवाया, रामलला को विराजमान किया गया, लेकिन मुगलों ने फिर इस पर अधिकार कर लिया और अयोध्या को राम से दूर कर दिया। साल 1853 में हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई। मुस्लिम आक्रांताओं का दमन देश ने बहुत सहा। सन 1857 में बहादुर शाह जफर के समय बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली ने मिलकर राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन ये बात कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को कबूल नहीं हुई। सन 1858
तारीख 18 मार्च के दिन कुबेर टीला स्थित इमली के पेड़ पर दोनों को फांसी पर टंगा दिया। समय करवटे बदलता गया और साल 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, लेकिन मुसलमानों ने यहाँ नमाज नहीं पढ़ी। अयोध्या तब भी राम राज्य के लिए लड़ रही थी, अपने राम लला के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके बाद 19 जनवरी 1885 में राम को अपनी जगह दिलाने के लिए महंत रघुवीर दास की मदद से फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रामलला की जमीन का मामला रखा गया। इस मामले में कहा गया कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि वह स्थान प्रभु राम का है। इसके बाद कोर्ट में बस लंबा इंतजार चल रहा था, देश आजादी देख रहा था, लेकिन अयोध्या को इंतजार था रामलला की आजाद होने का। सन 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जबकि हिंदुओं को रामलला के दर्शन के लिए एक जगह से प्रवेश मिलता रहा। इसके ठीक 2 साल बाद 1949 को रामलला की मूर्तियां मस्जिद में मिली। कहते हैं कलेक्टर की मदद से हिंदुओं ने रात में यह मूर्तियां रखवाई थी। मुसलमानों ने विरोध किया और अदालत में मुकदमा दायर हो गया। सरकार ने विवादित स्थल मानकर फिर ताला लगाया, लेकिन अयोध्या अभी भी इंतजार कर रही थी कि राम ताले से मुक्त हो सके। 1984 में रामलला को मुक्त कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक समिति का गठन किया, जिसकी अगुवाई बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने की। बाद में 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे का ताला खोल दिया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन तेज किया और इसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या ने वह शाम भी देखी जब यहाँ की धरती को लाशों से पाट दिया गया। लाखों राम भक्तों ने विवादित ढांचे पर भगवा फहरा दिया। 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों की जान चली गई। हालांकि अप्रैल 1991 में मुलायम सिंह यादव को भी इस्तीफा देना पड़ा। अयोध्या को तो अभी भी बहुत कुछ देखना था। सब कुछ अयोध्या सहन कर रही थी क्योंकि विश्वास था कि एक ना एक दिन राम को इंसाफ जरूर मिलेगा। राम भक्त 6 दिसंबर 1992 को फिर जुटे और विवादित ढांचा गिरा दिया गया। कार सेवकों ने विवादित मस्जिद का ढांचा तोड़ा और उसी जगह रामलला की स्थापना कर दी। राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त। 1527-28 में मंदिर तोड़ा गया और 1992 में मस्जिद जमीन दोज हो गई। इसके बाद की कहानी कोर्ट की जटिल प्रक्रिया थी, जिसे बस तारीखें मिल रही थी, लेकिन अयोध्या ने विश्वास नहीं खोया। खुदाई सर्वे, राडार सर्वे आदि जांचों में राम के होने का सबूत
अयोध्या से मांगा जा रहा था और अयोध्या बार बार यही कह रही थी कि सरयू किनारे जहां देखो वहां राम ही तो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला सुनाया। 30 सितंबर को सुनाए गए इस फैसले में लिखा गया कि विवादित 2.77 एकड़ की जमीन का बंटवारा कर दिया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया गया। इस फैसले को फिर चुनौती दी गई और अयोध्या के राम के लिए सर्वोच्च अदालत बैठी। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक लगातार सुनवाई हुई, जहां बाद में चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसले में राम जन्मभूमि को हिंदुओं का आस्था स्थल मानते हुए राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपने का आदेश दिया। यह फैसला सर्वसम्मति का था और सर्वसम्मति ने यह मान लिया था कि विवादित जमीन पर राम लला का हक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में तो आया, लेकिन अयोध्या को अभी भी उसका नाम नहीं मिला था। वह तो फैजाबाद हो गई थी। राम तो आए, लेकिन अयोध्या का नाम नहीं आया। सन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और एक वर्ष बाद फैजाबाद का नाम हटाकर उसे अयोध्या में शामिल कर दिया। अयोध्या को उसका नाम मिल गया और मिल गए अपने राम। अयोध्या घाटों और घंटों की नगरी है। अयोध्या सज रही है अपने राम के लिए। घाटों से लेकर मंदिरों तक, राम से लेकर हनुमान तक, सब कुछ भव्य ही भव्य। अयोध्या श्री राम की है तो कैसे मिट जाती। जय श्री राम।